हेलो दोस्तों, सीएससी न्यूज़ अपडेट के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डीजीपी के द्वारा जो आपके पे आउट का जो पैसा है जो डिडक्ट हो गया है और आपके अकाउंट या आपके जो डीजीपी वॉलेट है उसमें क्रेडिट नहीं हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे आपको रिफंड मिलेगा और क्या आपको करना होगा, सारी जो जानकारी है इस वीडियो में दी जाएगी। और इसी वीडियो में मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा जो मेरी सीएससी अधिकारी से बातचीत हुई है डीजीपी के जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं सीएससी की तरफ से आने वाले हर एक अपडेट की वीडियो रोजाना लेकर आता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपको इससे पहले की रिकॉर्डिंग सुनाऊँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने डीजीपे इस्तेमाल नहीं किया तो जो न्यू डीजीपे का वर्जन है तो उसमें होता क्या है कि जो डीजीपे का जब हम पे आउट करते हैं बहुत सी प्रॉब्लम है, और सबसे जो मेजर प्रॉब्लम देखने को मिली है जब हम डीजीपे का थ्रू जो अपना जो अमाउंट होती है डीजीपे वॉलेट में उसको हम पे आउट करने की कोशिश करते हैं, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, तो पे आउट तो हो जाता है, लेकिन जो पे आउट जो स्टेटस होता है ट्रांसैक्शन स्टेटस वो फेल हो जाता है। और उसके बाद में होता क्या है कि जो मनी होती है वो डिडक्ट हो जाती है, आपकी अमाउंट डिडक्ट हो जाती है, ना तो वो आपके डीजीपे वॉलेट में रिफंड होती है ना ही आपके अकाउंट में सेटलमेंट होती है। बहुत से दिन हो गए हैं, जो बहुत से कमेंट इस जो है इसके रिगार्डिंग देखने को मिले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर आपका फिर भी जो रिफंड नहीं होता तो आपने करना क्या है। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। हेल्प डेस्क, सीएससी हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, मैम विजय बात कर रहा हूँ जी। जी विजय मैम, एक्चुअली ना जो डीजीपे का न्यू वर्जन आया उसमें मैम मैंने पे आउट किया था, तो पे आउट है जो वो फेल्ड हो गया है, और जो मनी है वो डिडक्ट हो गया मैम। ना तो अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में सेटल हुई है 15 तारीख की ट्रांसैक्शन थी मैम, और ना ही मुझे रिफंड हुई अभी है। डीजीपे में ना अपडेशन चल रही है आज, इस करके पेमेंट का थोड़ा प्रोसेस दिक्कत चल रहा है। कल या परसों तक वो स्मूथली वर्क कर लेंगे, आपको पेमेंट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। वो मैम अभी अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी या डीजीपे वॉलेट में? अगर फेल है तो डीजीपे वॉलेट में आएगी, अगर सक्सेसफुल है तो अकाउंट में जाएगी। तो परसों तक हो जाएगी है ना ये? मेबी जी जी एकदम ठीक है मैम, थैंक यू सो मच जी। के तरफ से साफ साफ बताया गया है कि जो डीजीपे की जो टीम है वो डीजीपे न्यू वर्जन अपडेट पे जो है काम कर रही है, मेंटेनेंस पे काम कर रही है, तो जल्द ही उसका जो हर एक प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। इसीलिए इसको जो अभी तक प्ले स्टोर पे लाइव नहीं किया गया है, इस अपडेट को डीजीपे जो न्यू वर्जन है उसको प्ले स्टोर पे नहीं डाला गया है। आपको एक फाइल ही सेंड की जाती है आपके डीएम के द्वारा जिसको आपने इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से ही आपको जो प्रॉब्लम सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों, जैसे कि सीएससी अधिकारी की तरफ से बताया गया है, जो पेमेंट है आपके 2 या 3 दिन में आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो आपके अकाउंट में वो सेटल कर दी जाएगी या फिर आपके डीजीपे वॉलेट में रिफंड कर दी जाएगी। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी जो पैसा है वो सेफ है। बस किसी प्रॉब्लम की वजह से वो पैसा है जो फंस गया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन का वेट करें, और हो सकता है कि वेडनेसडे इवनिंग तक जो आपकी पेमेंट है वो सेटल कर दी जाए। और इसके अलावा अगर फिर भी आपकी जो पेमेंट है नहीं आती है तो आप जो सीएससी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप उनको बता सकते हैं अपना पूरा कसर, और या फिर आप अपनी जो टिकट है डिजिटल पोर्टल सेवा के थ्रू रेज कर सकते हैं, या फिर अपने जो अपना जो एरिया के आपके डीएम हैं उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो जरूर आपकी जो हेल्प हो सकती है, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कोई सोल्यूशन होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा अपडेट आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।